Hello student, good morning. Today we will learn maths standard 9 chapter number 1 number system. उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 to 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया था. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. के परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. क्या हमें डिवीजन करना है और मैक्सिमम नंबर कितने तक जा सकता है वो हमें फाइंड करना है. तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. क्या करेंगे, डिवीजन. 1/17 का डिवीजन कैसे करेंगे. सेवनटीन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1. यहाँ पे 17, तो 17 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पॉइंट रखेंगे. अब 17 के टेबल में 10 भी नहीं आ सकता, तो फिर से 0 रखेंगे. यहाँ पे भी 0 रखेंगे. अब 17 के टेबल में 100 तक का कौन सा डिजिट है, 100 से कम वाला डिजिट, तो के 85. तो क्या 17 5 85. यहाँ से 10 में से 5 कट, 5. 9 में से 8 कट, 1. यहाँ पे 0, फिर से 0 लाएंगे नीचे, 0 रखा. 150 से कम वाला डिजिट है 136. 17 8 136. तो 10 में से 6 कट, 4. 4 में से 3 कट, 1. यहाँ पे 0, और यहाँ से फिर से हम 0 लाएंगे क्योंकि 17 के टेबल में 14 तो नहीं आ सकता. 140 से कम वाला डिजिट, तो के 136 फिर से, तो 17 8 136. यहाँ पे भी 10 में से 6 कट, 4. 3 में से 3 कट, 0. यहाँ पे भी 0, फिर से हम 0 रखेंगे. तो 0 रखने के बाद 40 हो गया, तो 40 से कम वाला डिजिट, तो के 2 17 2 34. तो 40 में से, यानी कि यहाँ पे 10 में से 4 कट, 6. यहाँ पे 3 में से 3 कट, 0. 0 रखेंगे क्योंकि 17 के टेबल में 6 तो नहीं आ सकता, तो 60 कर दिया. अब 60 से कम वाला डिजिट 51. 17 3 51. यहाँ पे 10 में से 1 कट, 9. यहाँ पे 5 में से 5 कट, 0. यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 0 रखेंगे. तो 90 से कम वाला डिजिट 85. तो 5 85. 90 में से 85 कट, 5 ओनली. फिर से हम 0 रखेंगे, तो 50 हो गया. तो 50 से कम वाला डिजिट 34. 2 30. यानी कि फिर यहाँ से, यहाँ फिर से लिखूँगी, 50 में से 34 कट करना है. तो 50 में से, यहाँ से 10 में से 4 कट, 6. यहाँ पे 4 में से 3 कट, 160 से कम वाला डिजिट 153. 9 153. यहाँ पे 10, यहाँ पे 5. 10 में से 3 कट, 7. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर से हम 0 लेंगे यहाँ से. तो 70 से कम वाला डिजिट 68. तो 1 2 3 4 4 60 8. फिर से 10 में से 8 कट, 2. यहाँ पे 6 में से 6 कट, 0. फिर से हम 0 लेंगे, यानी कि 20. तो 17 1 17. 10 में से 7 कट, 3. यहाँ पे 1 में से 1 कट, 0. फिर से हम 0 लेंगे जब तक हमारा लास्ट रिमाइंडर कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ पे रिपीटिंग तो हुआ नहीं है और कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तब तक हम डिवीजन करते ही जाएंगे. यानी कि 30 से कम वाला डिजिट 17. तो 1 17.
तो फिर से हम क्या करेंगे, 10 में से 7 कट 3, और यहाँ पे 2 में से 1 कट 1, अब 0 लाएंगे फिर से, तो 130 से कम वाला डिजिट 119, तो 119 सेवन सा 17 सेवन सा 119। अब 190, 10 में से 9 कट 1, 2 में से 1 कट 1, यहाँ पे 0, अब फिर से 0 लाएंगे, 10, 110। अब क्या करेंगे, फिर से 110 से कम वाला डिजिट, तो 102, 6 जा 17, 6 जा, यहाँ पे फिर से करूँगी 110 माइनस 102, यहाँ पे 10 में से 2 कट 8, यहाँ पे 0, 0 में से 0, यहाँ पे 0, फिर से 0 लाएंगे, 80 से कम वाला डिजिट 68, तो 68 फोर सा 17 फोर सा 68, यहाँ पे 10 में से 8 कट 2, यहाँ पे 7 में से 6 कट 1, 120 से कम वाला डिजिट, 120 से कम वाला डिजिट कौन सा है, 119 है, तो 119 17 119, फिर से 10 में से 9 कट 1, यहाँ पे 1 में से 1 0, फिर से 0 रखेंगे, यानी कि फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, 10 हो गया ना, 10 आ गया, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है वो फ्री में है, उसके बाद जो 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे, उसके बाद 85 लेंगे, उसके बाद 136, वही रिमाइंडर आने वाला है, तो हम रिपीटिंग हो यहाँ से रिपीटिंग होने वाला है, 0 फिर उसके बाद 5 8 2 ऐसा आने वाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.058 82 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी कि हमारा डिजिट है यहाँ पे पॉइंट के बाद, इतना सारे डिजिट आने के बाद रिपीटिंग हो सकता है, उसके बाद रिपीटिंग होगा, यानी कि हमारा डिवीज़न ऐसा हो सकता है, डिवीज़न को आपको यहाँ से कट नहीं करना है, पूरा लिखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया गया है, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q में हमें देखना है, और वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, के p और q ऐसा लेना है जिसमें फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में फर्स्ट हम लिख सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेसिमल पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बाई फाइव लिखेंगे, तो हमारा देखो 2 1 2 एंड 5 1 5, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, उसके बाद हम 2 बाई फाइव को ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि डिवीज़न करेंगे तो 2 यहाँ पे 5 0.04 5 4 20 हो गया हमारा 0.4। सेकेंड हम लिख सकते हैं 1/10, 1 1 1 एंड 10 1 10, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, तो उसके लिए हम 0.1 ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीज़न करना नहीं पड़ता उसमें, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 3/5, 3/5 में डिवीज़न करेंगे तो 3 and 5 0.56 30, यानी कि 0.6। तो आपने देखा होगा कि डिनोमिनेटर में 5 and 2 यानी कि 5 and 2 मल्टीपल में होगा,
तब हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग प्रॉब्लम्स यानी कि टर्मिनेटिंग डिफीट हो सकता है। डिनोमिनेटर में 5 and 2 यानी कि ऐसा भी हो सकता है 6 by 2 है वो फैक्टर वाले है, वैसे 1/2 भी ले सकते हैं। तो 1/2 में उसका आंसर क्या आ सकता है, 1/2 का 0.5। यानी कि डिनोमिनेटर में 5 and 2 के मल्टीपल में कोई भी डिजिट होगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया गया है, राइट 3 numbers हु डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। यानी कि हमें ऐसा नंबर्स देना है डेसिमल एक्सपांशन में कि जिस नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कोई भी आप ले सकते हो, 0.414111 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। कितने नंबर्स चाहिए, 3 numbers चाहिए। उसके लिए हम पाई भी ले सकते हैं क्योंकि उसके लिए 3.1416 अप टू कंटिन्यूस नंबर चल रहा है, इसीलिए उसके लिए हम अब 0.911999111 ऐसा कंटिन्यूस नंबर भी ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब है क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया गया है कि फाइंड 3 different इरेशनल नंबर, कि हमें फाइंड करना है 3 different इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। तो कि किस किस डिजिट में 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन नंबर हमें चाहिए। तो 5/7 के हम डिवीज़न करेंगे तो आपने आगे भी किया है, 5/7 का डिवीज़न है 0.714 2.85 एंड 9/11 का डिवीज़न है 0.81 bar। तो उसके बिटवीन नंबर हमें चाहिए, किसमें, डेसिमल में चाहिए। तो डेसिमल में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि 0.7171717 31 up to continues। सेकेंड 0.7272722 up to continues। और थर्ड नंबर 0.75755 up to continues नंबर लिख सकते हैं। यानी कि 0.714 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.81 से कम होना चाहिए, तब हम बिटवीन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट है √23, वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और किस में है, रूट में है। तो हमने पहले भी देखा था रूट पी का मीनिंग क्या होता है, प्राइम नंबर। तो रूट में प्राइम नंबर वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर्स। रूट टू टू फाइव का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तो वो तो हमारा कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर। सेकेंड में आएगा रेशनल नंबर्स। थर्ड है 0.3796 तो वो तो कंप्लीट यानी कि स्टॉप नंबर है, तो वो भी है रेशनल नंबर्स। अब फोर्थ नंबर का है वो, फोर्थ नंबर में 7.478478 up to continuous नंबर, वो है रेशनल नंबर्स। अब उसके बाद है 1.01001 up to continuous यानी कि पॉइंट आने वाला है कंटिन्यूस नंबर, तो उसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।